और दिल्ली से बड़ी खबर है, नए साल के जश्न पर कोरोना की पाबंदी। राजधानी में आज और कल नाइट कर्फ्यू रहेगा। राजधानी दिल्ली में नाइट कर्फ्यू लगाया गया है। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए रात 11 बजे से सुबह 6 बजे तक ये नाइट कर्फ्यू लगा रहेगा। तो नए साल के जश्न पर एक बार फिर से कोरोना ने ब्रेक लगा दिया। जिस तरह से ब्रिटेन में कोरोना का नया स्ट्रेन हावी होता जा रहा है और उसके कुछ मामले भारत में भी पाए गए हैं, जिसको देखते हुए सरकार की तरफ से बड़ा कदम उठाया गया है। दिल्ली सरकार की तरफ से हमारे संवाददाता शंकर सुमन हमारे साथ फोनलाइन पर जुड़ गए हैं। शंकर, एक तरफ लोग नए साल के जश्न मनाने वाले थे, लेकिन अब एक बार फिर से कोरोना के नए स्ट्रेन ने नए साल के जश्न पर रोक लगा दी है, नाइट कर्फ्यू लगाया गया है। देखें कि दिल्ली जो कि देश की राजधानी है, यहीं पे सारी संस्थाएं हैं। देखें कि देश के प्रधानमंत्री से लेकर तमाम जो मंत्रालय हैं वो सब का यहीं पे ये रहना होता है। दिल्ली में क्योंकि इधर कुछ दिन पहले तक काफी जबरदस्त प्रहार देखने को मिला था कोरोना का, हालांकि अब मामला जो है कम हो गया है। इसी के मद्देनजर देखिए आज यानी कि 31 दिसंबर क्यों रहेगा, साथ ही साथ कल भी कर्फ्यू रहेगा। और कर्फ्यू का जो समय है वो निर्धारित किया गया है रात 11 बजे से सुबह 6 बजे तक। तो आज यानी कि 31 दिसंबर रात 11 बजे से लेके कल 1 जनवरी सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू लगा दिया गया है दिल्ली में। वहीं फिर 1 जनवरी की रात 11 बजे से 2 फरवरी सुबह 6 बजे तक, ये 2 दिनों के लिए कर्फ्यू लगाया गया है। और मकसद साफ है कि बहुत ज्यादा इस तरह का जमावड़ा ना हो, भीड़ भाड़ ना हो, क्योंकि अक्सर दिल्ली सहित तमाम जो देश के बड़े शहर हैं, मेट्रो सिटीज हैं, वहाँ पे न्यू ईयर जश्न मनाने को लेकर लोग इस तरह का जो पब्लिक प्लेस है वहाँ गैदरिंग होती है। और दिल्ली में भी कनॉट प्लेस का जो एरिया है यहाँ पे भी जबरदस्त गैदरिंग होती है 31 दिसंबर की जो रात है, यानी कि आज रात यहाँ पे काफी ज्यादा भीड़ होती अगर ये कर्फ्यू ना लगाया जाता। तो फिलहाल 11 बजे तक है छूट है कि 11 बजे तक लोग इधर उधर जहां भी हैं उनको घूमना है ये कर सकते हैं, लेकिन 11 बजे से लेके रात 11 बजे से लेके सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू जारी रहेगा 2 दिनों के लिए, क्योंकि अक्सर यही 2 दिन जो है ज्यादा लोग जश्न के लिए बाहर निकलते हैं। बाकी जो है दिल्ली का जो कनॉट प्लेस, जो दिल्ली का दिल कहा जाता है, वहां पे एंट्री बिना पास का नहीं हो पाएगी। और साथ ही साथ जो मेट्रो स्टेशन है सबसे ज्यादा व्यस्त अगर देखें मेट्रो स्टेशन दिल्ली का है तो वो राजीव चौक का मेट्रो स्टेशन है, क्योंकि कनॉट प्लेस के अंदर ही आता है। तो वहाँ रात में यानी कि आज जो रात 9 बजे के बाद वहाँ से एग्जिट बंद हो जाएगा, यानी कि लोग वहाँ से बाहर नहीं निकल पाएंगे। तो ये सब जो चीजें हैं पाबंदी लगाई गई। वहीं ड्रिंक एंड ड्राइव को लेकर भी एक दिल्ली पुलिस की तरफ से, दिल्ली पुलिस के जो ट्रैफिक डिपार्टमेंट है वो अभियान चलाएगी कि कोई भी संदिग्ध अगर उन्हें नजर आता है तो उसका तुरंत ब्लड टेस्ट कराने की व्यवस्था करेगी दिल्ली पुलिस। जी शंकर, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो रात 11 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा। नए साल के जश्न पर कोरोना ने एक बार फिर से रोक लगा दी है। पुलिस हर नाके चौराहे पर तैनात रहेगी। हालांकि 11 बजे तक छूट दी गई है लोगों को जश्न मनाने की, और 11 बजे से सुबह 6 बजे तक पूरी पाबंदी रहेगी, नाइट कर्फ्यू लगा रहेगा। फिलहाल इन्हीं खबरों के साथ में इस बुलेटिन में इतना ही। बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए लाइव टुडे। नमस्कार। पाएं हर खबर सबसे पहले सिर्फ लाइव टुडे पर। सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।